it's a different experience altogether. Big Boss was a different experience. खतरों के खिलाड़ी बहुत ही different था. तो मेरे लिए मैंने ऐसे दो चीज़ें कर ली कि मैं अपनी next generations को flaunt कर सकती हूँ. You know what, your nanny's done this. The kind of things I've done in खतरों के खिलाड़ी were insane. Like मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं इस तरह की चीज़ें कर पाऊँगी या मैं करने के काबिल भी हूँ. और जब मैंने ये किया तो मुझे ऐसा लगा कि you are capable of doing so much that you don't realize until it's life and death, until it's winning and losing. So mostly life and death, because though hamare paas itni safety thi, sare safety gears the, log the, divers the, sab har tarike se they ensured it that hum puri tarah se safe hai, but jab aap us moment mein hote ho ek do baar to mujhe aisa laga ki bas yahi pe it's over for me. But then I'm glad I'm alive. And मुझे बहुत सारी injuries हुई है कुछ stunts के दौरान, उसके scars भी है. So now I need to get treated. But I've had an incredible experience. बहुत ही ज़्यादा memorable था और यादगार रहेगा. बहुत. It was totally painful. Very painful. क्या-क्या adventures हुआ वहाँ पे आपके साथ? To share. मैंने बहुत सारे स्टंट्स किए, वो हर तरीके के स्टंट्स किए. मतलब मुझे लगता है ऑन मदर अर्थ ऐसा कोई एनिमल नहीं बचा होगा जिसके साथ मैंने स्टंट नहीं किया. बीट फायर, बीट स्पीड, बीट हाइट, बीट एनिमल, क्रीपी क्रॉलीज, वाटर, एयर, एवरीथिंग. आई हैव डन स्टंट्स रिलेटेड टू एवरीथिंग एंड आई एम सो ग्लैड दैट मुझे ये करने का मौका मिला, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है. और जिस स्टेट ऑफ माइंड से मैं खतरों के खिलाड़ी में गई थी और जिस स्टेट ऑफ माइंड से मैं खतरों के खिलाड़ी से बाहर निकली हूँ, बहुत फ़र्क है. आई फील सो मच मोर फियरलेस राइट नाउ. सो वन थिंग लाइक यू फील कि मतलब अब मुझसे नहीं हो पाएगा, बट से यू अचीव. मुझे ऐसा लगा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, पर जब एक कंपेटिटिव स्पेस में आप होते हो, जब आपको पता होता है कि सब लोग कर रहे हैं तो वाई नॉट. एंड मोस्टली ऐसा होता था जब भी मैं स्टंट परफॉर्म करती थी, हमेशा मैं पहली होती थी. मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक 99-95% टाइम्स मैं फर्स्ट परफॉर्म करने जाती थी, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा डरी हुई होती थी क्योंकि मैंने देखा नहीं है कैसे करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, एब्सोल्युटली क्लूलेस. बट आई डिड इट एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई डिड इट. मतलब मुझे कुछ चीज़ों का डर लगता है लाइफ में और उनसे मैं रूबरू हुई हूँ, उनसे फेस टू फेस हुई हूँ. और जब वो करने के बाद एक अलग सी फीलिंग आई, एक अलग सी रिलीव्ड फीलिंग आई. यू नो व्हाट, इट्स एक्चुअली नॉट दैट स्कैरी, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड. तो हमेशा अपने आप को कंडीशन करना पड़ा, अपने ब्रेन को कंडीशन करना पड़ा, माइंड को, कि यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस नो मैटर व्हाट, यू कैन डू दिस, यू नॉट गोना डाई. तो मैं अपने आप को हमेशा ये महसूस कराती, हमेशा हमेशा ये याद दिलाती कि वट एवर डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. तो बस उसी के भरोसे, उस वही सोच सोच के मैं काफ़ी आगे तक चली गई. जी मैं बहुत खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से. अब जहाँ तक मैं पहुँची हूँ शो में, मैंने उम्मीद नहीं थी कि वहाँ तक मैं पहुँचूँगी. और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एम वेरी हैप्पी, आई फील लाइक वाह वेल डन यू नो. सो ना आई कैन रियली टेल यू कि मैं कब बाहर हुई, कब मैं अंदर थी, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत जल्दी निकल जाऊँगी, हो सकता है पहले वीक में, बट ऐसा नहीं हुआ. सो आई एम ग्लैड. सो हु वाज योर बिग कॉम्पिटिटर?